आज ललिया का पास्टर पास ताला चलेगा पढ़ाई लिखाई। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, हर जगह जाए काम के लिए, हर जगह सर्टिफिकेट मांगता है। हम पढ़े लिखे हैं नहीं तो कहाँ से देंगे। तो सोचे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अपना स्कूल बनाते हैं, गांव के बच्चे लोग को यहाँ बैठा करके पढ़ाएंगे अपना, और अपना सब कुछ खर्चा निकल जाएगा। मेरा जितना मेंटेन होना चाहिए वो सब हम अपने हुस्न का जादू करके और बच्चे को इधर जमा करके पढ़ाऊंगी। जो ही आता है उल्टा सीधा पढ़ाऊंगी। किसी तरह पैसे आने चाहिए, पैसे। अरे आ जाओ ललिया के पाठशाला में पढ़ने आ जाओ। हिंदी पढ़ाऊंगी, गणित पढ़ाऊंगी, फिजिक्स पढ़ाऊंगी। आ जाओ आ जाओ। कोई आ ही नहीं रहा। ये क्या कर रही है ललिया? दिखाई नहीं दे रहा है? मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ, गांव के बच्चों को इधर बैठा के पढ़ाऊंगी यहाँ से। हाँ क्या सब पढ़ाओगी? ओए ओए चल नीचे बैठ, नीचे बैठ। बड़ा है ललिया के बगल में बैठने वाला, चल इधर बैठ, सामने आ। मुझे भी पढ़ा दोगी? हाँ तो सामने बैठना, मुंडी पे बैठेगा क्या? कैसे बैठूं? अरे आदमी जैसा बैठना ढंग से। कुछ है कहाँ, दूल है, बैठने के लिए नहीं कुछ अच्छा, रखी है। तो मैं तुमको बैठने के लिए दूँ? आने से पहले सोचा नहीं कि बैठने के लिए कुछ ले जाऊँ? जा ले क्या? मेरा नाम से तुम्हें क्या लेना देना है? ओए नाम बताना अपना। नाम से क्या करोगी, तुझे पढ़ाना ही तो है, पढ़ाओ ना। तो चल निकल इधर से, निकल इधर से जा। मेरा नाम है रेगरनाथ। तो लिख लो ना, तुझे तो नाम से ही लेना देना है ना। तुम बहुत डांटती हो, बताओ ना क्या। चलो क्या नाम बताया? अरे गैरनाथ। बाप रे, अरे गैरनाथ। हाँ जी। अच्छा ठीक है, इधर पढ़ने आए हो? हाँ पढ़ाओगी? हाँ मैं पढ़ाने के लिए ही बैठी हूँ। तो पढ़ाओ ना। तुम ऐसे क्यों बोलती रहती है? तुम ऐसे ऐसे इतनी क्यों रहती है? अच्छा ऐसे कुछ पढ़ता है? हाँ, तब से पूछ रहा हूँ तो नखरे पे नखरे। अरे क्या जा। जब ललिया का स्कूल खुल गया तो विद्यार्थी की कमी नहीं होगी, एक से एक स्टूडेंट आएंगे ललिया के स्कूल में। और यहाँ ना पढ़ाई भी चलेगा, मेरा समय भी निकल जाएगा। कब तक मैं क्या करूँगा बैठ के? अभी तुम ए से लेके जेड तक गिनती कर। मैडम जी हम ही पढ़ना चाहता है। पढ़ना चाहता है? हम पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो आपका बोली सुना ना तो हम आ गया। ओ ललिया के स्कूल में पढ़ने आ गए, इधर आके बैठ। हाँ आजा इधर बैठ। मैडम जी हम नीचे में बैठेगा, ऐसे बैठ जाए। तो तुम ललिया के स्कूल में मालूम है ना कि ललिया खुद अपने लिए सोफा रखती है और स्टूडेंट के लिए नहीं रखती, वो लोग खुद अपना लेके आता है। तो मैडम जी हम किताब नहीं लाया है। आता बैठ जाओ, किताब आज देगा ना किताब। अरे आज मौखिक पढ़ लो, कल से लिखित पढ़ना। हाँ मैडम जी बैठ जा। अरे सीधा बैठना। मैडम जी हमको नाम लिखने का सिखा दीजिएगा। हाँ सब कुछ सिखा दे। हमारे दूल्हा का नाम लिखने आ जाएगा ना? अरे पढ़ेगी तो दुनिया का नाम लिखेगी, दूल्हा जाए। हाँ मैडम जी। हाँ इसलिए हम आया है। तुम्हारा नाम क्या हुआ? हमारा नाम दिलतोरिया मैडम जी हुआ। दिलतोरिया? हाँ। ये कैसा नाम है यार? मैडम जी हमारे बाबू जी रख दिया, हमारे माई बोला नहीं रखने के लिए, हमारे बाबू जी रख दिया। अच्छा नाम है। ये ला तो रे। मैडम जी हमको नहीं मारिएगा, हमको डर लगता है। नहीं इससे हम सलाम करते हैं बच्चे लोग। हाँ मैडम जी। हाँ ठीक ना। हाँ क्या सब पढ़ाओगी ललिया? आप मैडम जी ललिया बोलता है। क्या सब पढ़ाती हो? आपको कौन सा विषय पढ़ना है? गणित आती है? हाँ मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाती हूँ। ओ साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी नहीं जानते हो? साइकिल चला के। हाँ। साइकिल चलाने की बात तो साइकोलॉजी पढ़ भी नहीं आती। गिनती कर, गिनती कर, चल गिनती कर। गिनती? हाँ ए से जेड तक गिनती कर।
ए से जेड तक गिनती मुझे आती कहाँ है? तो फिर ये क्या बोलते गणित कैसे पढ़ोगे जब गिनती नहीं आएगी तो? मैडम जी हम उन्हें जानता है। अच्छा अभी तुमको जनाएगा कैसे पढ़ोगे? हमरा पहले सिखा दो कैसे पढ़ेंगे। अच्छा एक काम करो तुम दोनों जोर जोर से हल्ला करो। हाँ। कि ललिया का स्कूल खुल गया, नया स्कूल का ओपनिंग हुआ है, ललिया पब्लिक स्कूल। हाँ, तो पढ़ाओ ना। क्या पढ़ोगे? हमको भी पढ़ाइएगा मैडम जी। हाँ हाँ, क्या पढ़ोगे तुम? मुझे ना गिनती ठीक से सिखा दो। कौन सा विषय पढ़ना है? मैडम जी हम अंग्रेजी पढ़ेगा। हम अंग्रेजी। हाँ, हमको भी अंग्रेजी सीखना है। मैडम जी हम अंग्रेजी फिल्म अंग्रेजी काहे ला सीखेगा जानता है? काहे? अंग्रेजी जो फिल्म चलता है ना तो सब का करता है का होता वो हम पूरा समझ जाता है। पूरा समझ जाते पूरा। और बोलता का है वही नहीं समझ में आता है मैडम जी। इसीलिए हम ना हम आप बोला कि जे आप है तो आप समझा देगा। आप मैडम है अभी लेडीज है तो आप तो समझा देगा ना कि क्या बोलता है। इसीलिए हम देखेगा। हाँ जब अंग्रेजी पढ़ना जान जाएगी तो देखेगी भी और उसका भाषा समझेगी भी। रोज देखता है सब समझता है बोलता सो नहीं समझता है वो भी समझने लगे। आई काहे लग पढ़ेगा तू काहे पढ़ेगा? मैं बताऊं? हाँ। मुझे अंग्रेजी में फिल्म बनाना है। हाँ? फिल्म बनोगी मेरे फिल्म में? पागल हो क्या? मारती है। तुम ना बनना है तो मत बनना, मैं दूसरे को ले लूंगा। हाँ जी चिंता क्यों मारती है? अपना पढ़ाना है पढ़ाओ। इसको नहीं पढ़ा मैडम जी। अच्छा ये बताओ अरे सुन। हाँ। तुम दोनों अंग्रेजी पढ़ के चाहे सब्जी बेच कुछ भी कर बकरी चरा मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे को जितना आता है मैं पढ़ा देती हूँ। ठीक है हाँ मैडम जी। पढ़ा, हाँ। पढ़ा, लेकिन पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ाएगा पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ाएगा। ए फॉर आम। ए फॉर आम। आम। अभी नहीं पढ़ेगा और गांव में जाके बोलेगा सबको कि लगे आपने स्कूल में पढ़ाती नहीं है। पढ़ेगा पढ़ेगा। हाँ हाँ मैडम जा रहे पढ़ाइए। चलो ए फॉर आम। ए फॉर आम। बोला बोला बाद में क्यों बोलता है रे? बोला ना पर छोड़ दिया मैडम जी नहीं बोला। आम बोल आम बोला। ये कितना अच्छा पढ़ रही है। हाँ, हाँ, हम जल्दी सीख जाएगा ना मैडम जी। हाँ, 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 तो जल्दी सीख हाँ, जाएगी। सुनो, हाँ, सुनो। चलो। हाँ बी फोर बरकायम। बी फोर बरकायम। बी फोर आपका बड़का आम उसका छोटका आम वही ना जी। क्या बोल रहे रे? आम, आम, क्या बोल रहा तू? आम ओकर बड़का आम ओकर छोटका आम ये क्यों होता है? जितना बोल रहे होता पर हाँ नहीं तो मेरे स्कूल में तुम्हारा कोई गुंजाइश नहीं जा सकते। ये ललिया पब्लिक स्कूल है ठीक है ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ाती है। सुन ये पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ने वाला नहीं है। बड़का आम छोटका आम पढ़ाता है। सी फोर चिपतायाम। सी फोर चिपतायाम। रे पढ़ना तू पढ़ने आया मेरे को पढ़ाने आया रे? सी फोर चिपटा आम तो मोटका आम का की नाम होगा? तू पढ़ाएगा? तू मेरे को पढ़ाएगा? हम पूछता है ना तू मेरे को पढ़ाएगा? हम पूछता है ना हम पढ़ाता थोड़े ना हम पूछता है टीचर तुम हो या हम है? पहले पढ़ेगा तब ना तो मैं पूछेगा। अच्छा पढ़ो अच्छा पढ़ो जी पढ़ो पढ़ो। हाँ बी फोर बसिया भात। बी फोर बसिया भात। हमको आ गया आ गया आ गया टी फोर तटका भात। टटका भात हमें भी समझ गया। टी फोर टटका भात टी कहाँ से आ गया? बीच में कुछ न पढ़े वो ऊपर उठा दिया। ये पागल है। बसिया छोड़ दो उसको हमको पढ़ा। बसिया भात के बाद टटका भात नहीं होता है। अब देखो ये तुमसे बड़ी है तो ये बसिया भात हुई कि नहीं हुई और तू अभी आई है तो टटका भात हुई कि नहीं हुई? डी फोर क्या डलगर भात।
डी फोर दलगर भात। तो उनमें कुन बड़का भात छोटका भात होता है? रे तू पढ़ता नहीं है, आते बनाएगा खाली। एक को बार जो बोले होंगे डबल मीनिंग बोला होगा। नहीं बोला है, नहीं आता है। तू हमको पढ़ाने आया कि पढ़ने आया? रे तू हमको हम जाता है फिर पढ़ाई नहीं करेगा। पढ़ने आया कि पढ़ाने आया? मैं जाता है, पूछता है पढ़ने आया कि पढ़ाने आया। मैं चटिया है। चटिया है? चटिया है तो चटी खा। बेवरे कहीं का। ये ललिया का स्कूल है? ललिया का स्कूल ठीक ना? अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ो, ये तो पढ़ाने से ज्यादा मारती है। पढ़ाओ ना। दो दो गांड रखी हूँ, देख पीछे पीछे देख पीछे, अब भी बाहर करवा दूंगी। तुझे क्या गांड रखने की जरूरत है? हाँ। और सुनो, डी फोर क्या बोले थे? दलगर भात। अरे जोर से बोलना रे, तुमको भी देखा देखी लग गया। जोर से डी फोर दलगर भात। इमली चाट। इमली चाट। खटगर। ये तो कोई करने का नहीं। क्या क्या तू यहाँ क्या करने आया? बैंगन का चोखा बनाने आया? अच्छा E4 इमली के भात बुधिया। भात नहीं बोले रे। अच्छा इमली का काट। E4 E4 देख जैसा मैं कर रही हूँ ऐसा कर। E4 इमली चाट। इमली चाट। E4 इमली चाट। E4 इमली चाट। देखो कितना अच्छा पढ़ रही है। पढ़ लिया मैं भी। पढ़ लिया मैं भी। पढ़ लिया तू भी। पढ़ लिया मैं भी। तू नहीं पढ़ने वाले हो, चल पढ़ के सुना। E4 इमली चाट वही बोली था ना। अच्छा उससे पहले बता। तुमको याद हो गया? चल दो पर आके सुना। दो पर आके? हाँ। अरे पढ़ाने हम लोग को दे सुना ना। अच्छा ए, तभी ते थुन ना हूँ। ये तोंधा पलाई होला है। विद्यार्थी आ गया। अच्छा विद्यार्थी नहीं है, दुलू 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 मानो चलाया हम लोग का। ए दुरु दुरु ललिया ये तू तब से तू खोल लिए ले। ये ललिया पब्लिक स्कूल है। अरे दुरु है तू तब से पलाने लगी है। तू दे तो खुद खुद नहीं आता है पढ़ने। मुझे खुद नहीं आता। हाय इतना अच्छा हम लोग को पढ़ाया। अब हम बी फॉर बड़का आम, ए फॉर एगो आम, ये सब हम इन सब सीखा है ना। जैसे बड़का आम जैसे छोटका आम, जैसे ग्लू वैसे तेला तेली। अरे इधर तो खुद पलने नहीं आती है तो ये कहाँ से पढ़ाई दी? ये तो नहीं आता हमको। नहीं आता है, पढ़ाया है। मैं थाला थुन रहा हूँ। ए फुल ए फुल आम, बी फुल बलता आम, थी फुल तेता आम, यही पढ़ाया होता है। बरकाम होता है ना, बरकाम होता है। थुन रहा हूँ। अरे उसको हमसे ना दुश्मनी है, दुश्मनी इसलिए चाह रहा है कि मेरा स्कूल जो है ना वो बंद हो जाए। हाँ। और सुनो, अभी तो फिलहाल मेरा मूड गर्म हो गया इसलिए तुम लोग का छुट्टी कर रही हूँ मैं। लेकिन ये ना ललिया का स्कूल है, ललिया का स्कूल। और ललिया के स्कूल पे कोई अगर नजर उठा कर देखा ना तो मैं उसके आंखें निकाल लूंगी, ठीक ना? तो मैडम जी हाँ समझा। और मेरा स्कूल ललिया पब्लिक स्कूल दनादन चलेगा। मैं तो आऊंगा ललिया। मैं तो फिर आऊंगा। ठीक है मैं जा रही हूँ अब। ठीक है मैडम। और हाँ आप लोग भी आइएगा ललिया पब्लिक स्कूल में।